सिंध पुलिस दुआ जहरा को लेने के लिए लाहौर पहुंच गई और अदालत से दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने की इजाज़त मांग ली। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में दुआ जहरा को दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल करने के मामले पर जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद की अदालत में मेहंदी काजमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील फहद सिद्दीकी ने बताया कि दुआ जहरा कमसिन बच्ची है, कानून के मुताबिक दारुल अमान में नहीं रह सकती। सिंध हाई कोर्ट फैसले की रोशनी में दुआ को कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाए। सिंध पुलिस भी दुआ जहरा को लेने के लिए अदालत पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट हुक्म पर दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिंध पुलिस की दरख्वास्त मार्किंग के लिए सेशन जज लाहौर को भिजवा दी। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने का फैसला देते हुए कहा था कि दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। फैसले में कहा गया था कि मस्कूरा केस कराची के ट्रायल कोर्ट में जेरे इल्तवा है। दुआ जहरा केस का मरकजी किरदार है, इसकी कराची में मौजूदगी ज़रूरी है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि बज़ाहिर दुआ जहरा अपने शोहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती, जबकि दुआ जहरा वालिदैन से भी खौफजदा है, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि दुआ जहरा के अगवा से मुतलिक ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी।